नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुधा शर्मा है। मैं निर्मला महाविद्यालय कोयम्बटूर में हिंदी के विभाग की अध्यक्षा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं श्री जगदीश चंद्र माथुर विरचित नाटक कोणार्क की चर्चा करने जा रही हूँ। कोणार्क, लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर, प्रस्तुति डॉक्टर सुधा शर्मा, अध्यक्षा हिंदी विभाग, निर्मला कॉलेज फॉर विमेन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कोणार्क का सूर्य मंदिर जगन्नाथपुरी से लगभग 21 मील की दूरी पर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के प्रतापी नरेश नरसिंह देव ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि कुंभर पाथर नामक चुंबकीय शक्ति से युक्त पत्थर के कारण भगवान सूर्य देव की मूर्ति बिना किसी आधार के विराजमान थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर में मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान भुवन भास्कर अपने भव्य रथ पर बैठकर स्वर्ग से धरती पर उतर रहे हों। समुद्र की उत्ताल तरंगे कोणार्क के निर्माण सौष्ठव, वास्तु तथा मूर्तिकला की सुंदरता को द्विगुणित कर देती हैं। कोणार्क का यह भव्य सूर्य मंदिर 1200 मूर्तिकारों के 12 वर्षों के अथक परिश्रम की परिणति है। यह मंदिर सिर्फ अपनी स्थापत्य कला के लिए ही नहीं, अपितु वर्षों से जनमानस में तैरती लोक कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्हीं लोक कथाओं से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र श्री जगदीश चंद्र माथुर जी ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता के सहारे जिस कालजयी नाटक की रचना की है उसका नाम है कोणार्क। कोणार्क नाटक के प्रमुख पात्र विशु उत्कल राज्य के प्रधान शिल्पी, कोणार्क मंदिर के निर्माता, धर्मपद एक प्रतिभाशाली युवा शिल्पी, नरसिंह देव उत्कल नरेश, राजराज चालुक्य उत्कल नरेश के महामात्य, सौम्य श्रीदत्त विशु के मित्र और मंदिर के नाट्याचार्य, राजीव मुख्य पाषाण पोतक, शैवालिक चालुक्य का दूत, महेंद्र वर्मन नरसिंह देव के रहस्याधिकारी, समय सन 1260 ईस्वी के लगभग। कोणार्क के प्रथम अंक में दृश्य है कोणार्क मंदिर में विशु के कक्ष का। महाशिल्पी का यह कमरा अत्यंत सादा और अलंकार विहीन है। इधर उधर कुछ आधी उत्कीर्ण मूर्तियां पड़ी हैं। चौकी पर भारी चिंतित अवस्था में बैठे हैं महाशिल्पी विशु। उनके सामने खड़े हैं कोणार्क के प्रधान पाषाण कोर्तक राजीव। महाशिल्पी विशु बहुत चिंतित है क्योंकि कोणार्क मंदिर के ऊपर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा है। विशु के मित्र सौम्य श्रीदत्त सज धज कर वहां आते हैं। महाशिल्पी विशु उनकी प्रतिमा बना रहे हैं जो अभी अधूरी है। सौम्य श्रीदत्त विशु को बताते हैं कि महाराज नरसिंह देव यवनों से युद्ध करने वंग प्रदेश गए हैं।
महाराज नरसिंह देव की अनुपस्थिति में महामात्य राजराज चालुक्य राज्य का कार्यभार संभाले हुए हैं। महामात्य ने शिल्पियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। इसी बीच राजीव विश्व से कहते हैं कि वे एक प्रतिभाशाली 16 वर्षीय युवक धर्मपद को जानते हैं जो आशु शिल्पी है। हो सकता है वह कलश को स्थापित करने में मदद करे। सौम्य श्रीदत्त विश्व को बताते हैं कि इस बार वे मंदिर प्रतिष्ठापन के दिन गीत गोविंद के बदले गीत भास्करम संगीतक दिखाएंगे। संगीतक के लिए सौम्य श्रीदत्त ने सूर्य भगवान की कथा में परिवर्तन कर दिया। सूर्य भगवान की नई कथा सुनकर विश्व दुखी हो जाते हैं। वे सौम्य श्रीदत्त को बताते हैं कि 17 वर्ष पहले उन्हें सारिका नामक एक युवती से प्यार हो गया था। जब सारिका गर्भवती हो गई तो समाज के डर से विश्व भाग आए। सारिका के हाथी दांत के कंगन में विश्व ने कामदेव की एक सुंदर मूर्ति उत्कीर्ण की थी। ठीक वैसी ही छवि विश्व ने सौम्य श्रीदत्त की प्रतिमा के कंठहार में भी बनाई। राजीव एक 16 वर्षीय युवक को लेकर वहां आते हैं। सांवला रंग आकर्षक व्यक्तित्व के धनी उस युवक का नाम है धर्मपद। धर्मपद शिल्पियों की व्यथा से बहुत दुखी है। तभी अचानक राजराज चालुक्य वहां आ जाते हैं। वे विश्व पर बहुत क्रोधित होते हैं। चालुक्य कहते हैं कि अगर एक सप्ताह के भीतर कलश की स्थापना नहीं हुई तो 1200 शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे। ऐसा कहकर वे चले जाते हैं। धर्मपद विश्व को कलश स्थापना की युक्ति बताता है। साथ ही वह कहता है कि अगर कलश स्थापित हो गया तो वह सिर्फ एक दिन के लिए महाशिल्पी विश्व के सारे अधिकार लेना चाहता है। कोणार्क का द्वितीय अंक। महाशिल्पी विश्व का वही कक्ष, किंतु महाशिल्पी विश्व के कक्ष में विराजमान है उत्कल नरेश नरसिंह देव। नरसिंह देव कोणार्क के मंदिर को देखने के लिए इतने उतावले हो उठे कि अपनी सारी सेना वंग प्रदेश में ही छोड़कर राजधानी लौट पड़े। महामात्य राजराज चालुक्य भी नरसिंह देव के साथ मंदिर के प्रतिष्ठापन के लिए आ रहे थे, किंतु उनके रथ की धुरी टूट गई और वे पीछे ही रह गए। मंदिर को देखकर नरसिंह देव बहुत खुश हैं। नरसिंह देव खुश होकर महाशिल्पी विश्व को भव्य रत्न माला पहनाने लगते हैं, किंतु विश्व इनकार कर देते हैं। विश्व महाराज को बताते हैं कि रत्नमाला का असली अधिकारी धर्मपद है, जिसने मंदिर के ऊपर कलश स्थापित करने में मदद की। धर्मपद ही एक दिन के लिए प्रधान शिल्पी भी है। धर्मपद बड़ी निर्भीकता से नरसिंह देव को महामात्य द्वारा शिल्पियों पर किए गए अत्याचारों के बारे में बताता है। नरसिंह देव धर्मपद से बहुत प्रभावित होते हैं। तभी नरसिंह देव का रहस्याधिकारी महेंद्र वर्मन सूचना देता है कि मंदिर को तीनों तरफ से सैनिकों द्वारा घेर लिया गया है।
महामात्य चालुक्य का दूत शैवालिक आकर नरसिंह देव से कहता है कि वे कलिंग नरेश राज चालुक्य के सामने आत्मसमर्पण कर दें। यह सुनकर राजा नरसिंह देव दंग रह जाते हैं। चालुक्य ने राजसत्ता हथियाने के लिए उत्कल नरेश के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मंदिर को घेर लिया। धर्मपद शैवालिक को कहता है कि राजा अकेले नहीं है, उनके पीछे शिल्पियों और मजदूरों की सेना है। वह चालुक्य की चुनौती को स्वीकार कर लेता है और युद्ध की घोषणा करता है। धर्मपद पूरी मुस्तैदी से व्यूह रचना करने लगता है। उसकी बहादुरी देखकर राजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे धर्मपद को कोणार्क का दुर्गपति घोषित करते हैं। धर्मपद राजा को मंदिर के पिछले भाग में सुरक्षित स्थान पर रहने का आग्रह करता है। वर्षों की मेहनत से बनाए गए कोणार्क के प्रांगण में युद्ध की विभीषिका को देखकर विषु उद्विग्न हो उठते हैं। साथ ही वे यह जानने को भी उत्सुक हैं कि आखिर यह धर्मपद है कौन। कोणार्क का तृतीय अंक। घमासान युद्ध के बीच धर्मपद और उसके साथियों ने मंदिर के पीछे के द्वार से महाराज नरसिंह देव को नौका में बैठाकर सुरक्षित भेज दिया। महाराज जगन्नाथपुरी से सेना लाकर सूर्योदय होने पर चालुक्य के पड़ाव पर आक्रमण करेंगे। विषु सौम्य श्रीदत्त को बताते हैं कि जब धर्मपद मूर्छित हुआ तो उसके गले से हाथी दांत का वही कंगन गिरा जो विषु ने सारिका को दिया था। सौम्य श्रीदत्त को बहुत आश्चर्य होता है। सौम्य श्रीदत्त धर्मपद को बताते हैं कि विषु ही उसके पिता हैं। विषु धर्मपद से सारिका के बारे में पूछते हैं। धर्मपद बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वह यह भी बताता है कि उसकी माँ ने बड़े कष्ट सहकर उसे बड़ा किया। यह सुनकर विषु रोने लगते हैं। तभी सौम्य श्रीदत्त बताते हैं कि शत्रुओं का एक दल मंदिर में घुस आया है। कुचक्री चालुक्य रात्रि के युद्ध निषेध को नहीं मानेगा, ऐसी आशंका धर्मपद को पहले से ही थी। विषु के बहुत मना करने पर भी धर्मपद नहीं रुकता और युद्ध करने के लिए चला जाता है। विषु बहुत दुखी हो जाते हैं। वे धर्मपद को खोना नहीं चाहते। असमंजस की स्थिति में विषु हाथ में कुदाली लेकर मंदिर के गर्भगृह में जाकर कपाट बंद कर लेते हैं। राजराज चालुक्य शैवालिक और कुछ सैनिकों के साथ वहां आते हैं। सैनिक सौम्य श्री को पकड़े हुए हैं। चालुक्य सौम्य श्रीदत्त को विषु और राजा नरसिंह देव के बारे में पूछते हैं। चालुक्य बताते हैं कि उनके सैनिकों ने धर्मपद के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिए। विषु चुंबक के पास चले जाते हैं और जोर जोर से उस पर प्रहार करने लगते हैं। सूर्य भगवान की मूर्ति हिलने लगती है और फिर गायब हो जाती है। मंदिर के पत्थर गिरने लगते हैं। शैवालिक और चालुक्य पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। तभी गर्भगृह के बीच
रक्त रंजित विषु दिखाई देते हैं। वे सूर्य भगवान से कहते हैं कि उनका प्रतिशोध पूरा हुआ। ऐसा कहकर वे धीरे धीरे नीचे गिर जाते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने भी श्री माथुर जी विरचित नाटक कोणार्क का भरपूर आनंद उठाया होगा।